हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमको हमारे पिगमेंटेशन वाले वीडियोस में पूछे हैं। तो हमारे जो पिगमेंटेशन वाले वीडियोस हैं, वो जैसे कि झाइयों का इलाज वाला वीडियो था हमारा, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इंग्लिश में हमने जो वीडियो बनाया था मेलाज्मा ट्रीटमेंट, उसके कमेंट्स में से क्वेश्चन लिए हैं, और इसके अलावा स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स थे उनमें से हमने कमेंट लिए हैं। तो जो सेंसिबल कमेंट्स थे, जिनमें वीडियोस के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो वीडियोस बनाते समय हम इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि आपके कमेंट्स के साथ साथ रेगुलर हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, उनके भी क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाएँ। तो कुछ पॉइंट्स उनकी तरफ से भी ऐड करते हैं, कुछ पॉइंट्स कमेंट्स में से लेते हैं, और वो सारी क्वेरीज एड्रेस हो सके उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कारण, झाइयों के कारण। कारण को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि झाइयों के इलाज में अगर ये ट्रिगर्स प्रेजेंट हैं तो आपको इन ट्रिगर्स को रिमूव करना होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना है स्किन को। आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेजर्स यूज करने हैं वो आपको यूज करने हैं, ताकि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो फर्दर वर्सन ना हो, आगे खराब ना हो। और दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें कॉस्मेटिक जो एब्यूज़ है, जिसमें आप अलग अलग तरह के क्रीम्स यूज कर लेते हैं, उसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ कुछ के, कि कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, फेयर एंड लवली, स्किन फ्रूट्स वगैरह। पेशेंट हमसे बोलते हैं ये तो नॉर्मल क्रीम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो आपका स्टेरॉयड भी नहीं। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म यूजेस यूज करने पे हमें जो स्किन का जो प्रॉब्लम दिखाई देता है ना, उनको यूज करने के बाद उनके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं स्टेरॉयड क्रीम से मिलते जुलते होते हैं। तो हमें हमेशा डाउट रहता है कि इन क्रीम्स में वो हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म पे जा करके नुकसान करें। तो अपने कॉस्मेटिक्स को सिलेक्ट करते टाइम पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, डेली क्रीम यूज़ करनी है, SPF यूज़ करना है, वो आप एक ऐसा सिलेक्टर हैं जो आपकी स्किन को सूट कर रहा हो, आपकी स्किन को इरीटेट ना कर रहा हो। फिर इसके बाद में कोई और बॉडी में और कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें आयरन डेफिशियंसी आता है, हीमोग्लोबिन की कमी आती है, हाइपोथायरॉयडिज्म आती है, कोई आप ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं जो आपकी स्किन को सनलाइट के लिए सेंसिटिव तो नहीं कर रही हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब एक अलग से पॉइंट, जो हार्मोन, जो सेकंड इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होती है हार्मोन वाली, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बनता है, तो उसमें फिर आप फीमेल के लिए स्पेशली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फ्रिक्वेंटली OCPs ले रही हैं अपने मेंसेस की वजह से, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, या मेंसेस को आगे पीछे करने के लिए आप हार्मोनल मेडिसिन का यूज करते हैं बार बार, तो उस समय पे फिर ये छाया को डिस्टर्ब कर सकती है। या फिर आप प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर उस फेज में हैं, तो वहाँ पर छाया बन सकती है। तो ये तो हो गए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कारण। इनमें से जो भी आप रिमूव कर सकते हैं रीजन्स, कॉजेस को, आप उनको रिमूव कीजिए, तो आपके इलाज पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इम्पोर्टेंट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सपोज आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, आपको फेस पे पिगमेंटेशन नज़र आने लगा है, तो एक तो SPF अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसको दिन में 3 बार यूज़ करना स्टार्ट करें, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे। नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अब SPF में क्वेश्चन चॉइसेस पूछते हैं, तो दोस्तों आपकी स्किन के हिसाब से जो भी सूट करता है, मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ करें, फिजिकल सनस्क्रीन को प्रेफरेंस दें कंपेयर टू केमिकल सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, SPF 50 से अबव हो, और आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो उसके हिसाब से आप जेल बेस में जा सकते हैं, मैट फिनिश में जा सकते हैं, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्रीम फॉर्म में जा सकते हैं। तो अलग अलग तरह का अलग अलग स्किन, और आपको ये 2 या 3 बार में आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा ब्रांड, कौन सा सनस्क्रीन आपको सूट करता है, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और रेगुलर यूज कीजिए। अब कई लोग पूछते हैं सनस्क्रीन हम तो लगाते हैं, कुछ नहीं होता इस, तो 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, और एक अच्छी क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अपनी जो फिंगर टिप होती है उसके 1.5 टिप तक आपको क्वांटिटी लेना है, और आपको फेस पे अप्लाई करना है। एक नॉर्मल 60 ग्राम की जो ट्यूब है वो 20-25 डेज या मैक्सिमम महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए। अब कई लोग ये पूछते हैं कि हम तो धूप में जाते ही नहीं, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि कोई आदमी बाहर ना निकले या धूप में नहीं जाए। दूसरा,
जो भी आपके रूम में आजकल जो एलईडी लाइट्स आती हैं, जो भी लाइट्स हैं वो, या फिर विंडोज से जो भी लाइट आ रही है, वो भी आपके यूवी रेज एक्सपोजर को इंक्रीज करती है। तो इसलिए आपको घर में रहते हुए भी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सनस्क्रीन कभी बंद नहीं होती है इलाज में, चाहे आप पूरे फ्री हो गए हो, सही हो गई हो, छाया फिर भी ये बंद नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कभी छोड़ते हो और दोबारा अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोजर होता है तो फिर वापस मेलाज्मा आपको हो सकता है। तीसरा, कमेंट में लोगों ने कई बार बेटनोवेट लगाया या स्किन लाइट लगाया, ठीक है, स्टेरॉइड क्रीम्स लगाई, उसे लगाते हैं जब तक ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने वीडियो में भी समझा रखा है कि इनके अंदर स्टेरॉइड होता है, ट्रेटिनोइन होता है, तो स्टेरॉइड स्किन को पतला करता है, ट्रेटिनोइन स्किन को इरिटेट करता है। तो आप अगर इनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन का एक साइकिल बन जाता है जिसमें आप लगाते हो जब तक थोड़ा ठीक रहता है, जैसे आप छोड़ते हो साइड इफेक्ट नज़र आने लगते हैं, आपकी स्किन ख़राब होने लगती है और जो पिगमेंटेशन है वो पहले से ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन में स्टीरोइड वाली क्रीम्स छाया के लिए यूज नहीं करनी है, किसी भी हालत पे, चाहे वो कितनी छोटी छाया हो, चाहे कितना ही छोटा सा पिगमेंटेशन हो, कितना ही लाइट पिगमेंटेशन हो, आपको यूज नहीं करना है। चाहे कितना ही बड़ा आदमी उसकी रिकमेंडेशन दे रहा हो, अगर वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है तो आपको वो स्टीरोइड वाली क्रीम्स यूज नहीं करनी है। तो स्टीरोइड वाली क्रीम्स जो होती हैं फेस पर, वो बिना स्किन के डॉक्टर से पूछे यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कितने दिन लगा सकते हैं, किस स्ट्रेंथ में लगा सकते हैं, किस तरह से लगाना है, ये चीज़ आपको स्किन का डॉक्टर ही एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए खुद से कभी भी स्टीरोइड वाली क्रीम्स पिगमेंटेशन में यूज़ नहीं करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पिगमेंटेशन जड़ से ठीक हो जाए। इन क्रीम से बिगड़ा हुआ पिगमेंटेशन कभी भी जड़ से ठीक नहीं हो सकता, वो वापस आएगा ही आएगा आपके ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में। ये क्रीम जहाँ लगाई भी होती हैं उस स्किन पर पिगमेंटेशन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन आपको करना है, आप SPF के साथ में नॉर्मल एलोवेरा क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह आप ये लगा सकते हैं। आपको कोई और कुछ ठीक है, हल्दी या केसर, चंदन, जो भी एलोवेरा, हनी, कुछ भी यूज करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन में स्टीरोइड वाली क्रीम, ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम, जैसे स्किन लाइट, मेलाज, नो स्कार, इस तरह की क्रीम्स नहीं यूज करनी है। चौथा, कि इलाज कितना लंबा होता है, दोस्तों लगभग ये मान के चलो कि 6 से 9 महीना इसमें आसपास समय लगता है, और इस 6 महीने के पीरियड में हम आपकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट भी करते हैं, उसको बंद करके चेक भी करते हैं, आपको छुड़वा के भी देखते हैं ट्रीटमेंट को कि छाया कहीं वापस तो नहीं आ रही है, वो चीज़ चेक करके इंश्योर करके कि हाँ ठीक है, इतना फ़ायदा हो सकता है और इतना फायदा हो गया है, और अब यहाँ पर हम ट्रीटमेंट को इस तरह से आगे मेंटेनेंस फेज पे ले जाने के लिए ये काम करेंगे और फिर बंद कर देते हैं। तो एक नॉर्मल अवधि जो होती है, नॉर्मल पीरियड जो होता है, वो 6 मंथ कम से कम मान के चलिए, क्योंकि 1 महीना 2 महीना शुरू का तो सिर्फ आपकी स्किन को जो भी टैनिंग था यूवी रेस का उसको न्यूट्रल करने में, या स्किन में जो भी इन्फ्लामेशन चल रहा था उसको ठीक करने में लग जाता है, और उसके बाद में फिर पिगमेंटेशन है जो जितना बच गया उसके लिए फिर स्पेसिफिकली और अलग तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। जो ओरल टैबलेट्स होती हैं उनका भी जो पीरियड रहता है वो 3 to 4 month, 5 to 6 month तक रहता है, तो आपकी बीमारी के रेस्पॉन्स के आधार पे उसको भी बंद किया जाता है। तो कम से कम 6 महीना चाहिए ही चाहिए, वो 6 महीना आपको रेगुलर लेना है ट्रीटमेंट, और चीज़ें आपको हमेशा अगर सुधरती हुई दिख रही है तो जस्ट बस ट्रीटमेंट पूरा करते जाना है आपको। अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और चीज़ें नहीं इंप्रूव हो रही हैं, तो फिर आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं या सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने महीना भर लिया, चीज़ें ठीक नहीं हुई, चलो स्टॉप द ट्रीटमेंट और स्विच द ट्रीटमेंट, तो उसमें आपका फिर पैसा खराब होता है, पैसा और टाइम दोनों। अब ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स किस तरह का आता है, तो दोस्तों मोटा मोटा जो मैंने हमने उस वीडियो में भी बताया डिटेल में, कि जो ग्रॉसली जो बात करें तो 20-25% पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आराम से छाया ठीक हो जाती है, मेंटेनेंस में केवल सनस्क्रीन चाहिए। 50-60% फीमेल्स ऐसे होती हैं, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जब तक ट्रीटमेंट लेते हो चीज़ें ठीक हो जाती है, ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद छाया 1 से 100% के बीच में वापस आ सकती हैं, और कुछ 20-25% पेशेंट ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर ट्रीटमेंट करते करते भी छाया पूरी ठीक नहीं होती है। तो जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है वहाँ पर प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स का रोल बढ़ जाता है, वो यूज़ करने पड़ सकते हैं, उसमें लेज़र और पील का कॉम्बिनेशन होता है, वो यूज़ करना पड़ जाता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको पता करने के लिए डॉक्टर के पास ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि पहले से पता लग जाएगी आपकी छाया 3 महीने में जाएगी, 4 महीने में जाएगी, 5 महीने में जाएगी, उस हिसाब से और वापस आएगी या नहीं आएगी। तो कई बार कि फिर ट्रीटमेंट क्यों लेना है वापस आती है, तो दोस्तों जस्ट
स्किन को आपको क्लीन करके रखना है तो आपको ये ट्राई करना ही पड़ेगा कि हाँ एक बार रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से कितना साफ होती है और वहां से छाया वापस कितनी लौट के आती है, अगर वापस होती भी है तो लास्ट में फिर जो वापस हो जाती है उन केसेस का क्या होता है? तो दोस्तों वहां पर एक ऐसा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट तैयार किया जाता है पेशेंट के लिए कि भाई आप इसको यूज करते रहिए, आपकी स्किन को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपकी छाया भी वापस खराब नहीं होनी चाहिए, यहाँ से और खराब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे भी पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सपोज हम जब ट्रीटमेंट बंद कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ पेशेंट्स की कैटेगरी जो मैंने बताई उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ छाया वापस आ सकती है, तो आपको इस टाइम पर आपको डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट करना होता है कि अब मेरी छाया, आपने नाइट की क्रीम हटाई तो वापस आ गई, या आपने टैबलेट हटाई तो वापस आ गई, या आपने इस क्रीम को मुझे गैप दे करके लगाने के लिए बोला तो वापस दिख रही है। तो उसी टाइम पर आपको डॉक्टर को बतानी होती है ताकि डॉक्टर ये पता लगा सके कि कौन सा फैक्टर था जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था छाया को क्लीन रखने में, कंट्रोल रखने में। तो वो उस फैक्टर के हिसाब से फिर आगे का जो ट्रीटमेंट है उसको डिसाइड करता है। पूरे छाया के ट्रीटमेंट में, चाहे वो 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, साल भर का हो, उस ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना होता है कि आपकी छाया वाली जो जगह है, जो भी पिगमेंटेशन वाली जगह है, वो दोबारा से वापस रेड नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रिकॉशन होती है, इसीलिए SPF फर्स्ट डे से चालू किया जाता है, इसीलिए आपको स्टेरॉइड क्रीम्स के सेल्फ मेडिकेशन के लिए मना किया जाता है। अगर आपका स्किन रेड होगा, अगर आपका स्किन इन्फ्लेम्ड होगा, अगर आपके स्किन में रोस आएगा, तो वो दोबारा से वापस से डार्क होगी ही होगी, उसका हीलिंग पैटर्न है वो दोबारा से पिगमेंटेशन बनाएगी ही बनाएगी। तो आपको पूरे ट्रीटमेंट में यही प्रिकॉशन रखना है कि आपका स्किन रेड नहीं होना चाहिए। आपकी किसी भी दवाई से, इवन हमारी दवाई से, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की दवाई से भी आपको किसी भी मौके पर ऐसा फील होता है कि आपकी स्किन रेड हो रही है, इरिटेट हो रही है, परेशान हो रही है, तो आपको ये चीज़ डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है, ठीक है? तो वो वहाँ से उस फैक्टर को हटा देंगे ताकि आपका स्किन रेड ना हो, ताकि एटलीस्ट ठीक है, चाहे 70% ही चीज़ें ठीक हुई हो, इट्स ओके, बट वो 70 के साथ में रेडनेस नहीं चाहिए, क्योंकि 70% इंप्रूवमेंट के साथ अगर रेडनेस होगा तो वो उस इंप्रूवमेंट को घटा के 50-40 पे भी ले आएगा और पिगमेंटेशन को बढ़ा देगा। तो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना। क्रीम अगर हमारी दवाइयों से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस दवाई से प्रॉब्लम है, लेकिन घरेलू नुस्खों में भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। फेशियल मेकअप फाउंडेशन में भी ऐसा कोई काम नहीं करना। किसी के कहने पर बीच में कोई ऐसी क्रीम नहीं यूज़ करनी जिससे वापस रेड हो जाए, या अगर आपको डॉक्टर ने कुछ ऐसी स्ट्रेंथ दे रखी है पिगमेंटेशन क्लियर करने के लिए जिसमें केवल नाइट में लगाने की क्रीम है और डे में सनस्क्रीन मस्ट है, तो आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। आपको लगता है कि आप नहीं लगा सकते सनस्क्रीन, आप 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आप उस नाइट वाली क्रीम को बंद करोगे, तब जाकर के आप उस शेड्यूल में जा सकते हो जहाँ पर आपके लिए सनस्क्रीन लगाना पॉसिबल ना हो। पर ये संभव नहीं कि आप हाई पावर का पिगमेंटेशन रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर लें और आप डे में सनस्क्रीन नहीं यूज़ करें, वहाँ पर वर्सनिंग होता ही होता है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि आपका स्किन वापस से रेड नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट प्रोसीजर ट्रीटमेंट्स के बारे में, लेज़र और पील में पेशेंट कई बार इम्प्रूवमेंट पूछता है, गारंटी पूछता है और कॉस्टिंग पूछता है। तो लेज़र और पील जो ट्रीटमेंट होते हैं ये पिगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए होते हैं और ये मेनली जो रेजिडुअल पिगमेंट है उसी को रिमूव करने के लिए होता है। इसमें नए पिगमेंट बनने की मैकेनिज्म पर बहुत ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आपका जो ऑलरेडी पिगमेंट पड़ा हुआ है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से क्लीन नहीं हो पा रहा है, उसको आप इससे क्लीन करवा सकते हो। तो पील होती है, उसके अंदर दवाइयाँ लगाई जाती हैं, 15-20 मिनट में उसको वॉश कर लिया जाता है, देन उसके बाद पपड़ी उतरती है, एक्सफोलिएशन होता है, आपको घर पे केयर करनी होती है। लेज़र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेज़र डायरेक्ट अंदर जाता है, बाहर वाली स्किन को अफेक्ट नहीं करता है, इसमें डाउन टाइम नहीं होता है और लेज़र अंदर जा करके पिगमेंट को ब्रेक करता है। जो बड़ा पिगमेंट था वो छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो स्किन के फ्लूड के साथ में क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा PRP का भी हल्का फुल्का रोल है पिगमेंटेशन को लाइट करने में और नॉर्मल स्किन केयर जो रूटीन होता है उसका भी रोल है। प्रोसीजर्स के बाद में, स्पेशली पील के बाद में, आपको पोस्ट प्रोसीजर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट हमसे एक बार सनस्क्रीन लगा के हाँ हाँ भर रहा होता है कि हाँ मैं सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो दिन में एक ही बार सनस्क्रीन लगा रहा होता है। अब नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में एक बार से फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन पील के साथ में, लेजर के साथ में आपको दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा।
आपको स्किन को केयर देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो लेजर की वजह से जो क्लीनिंग हो रही है पिगमेंटेशन की वो सस्टेन हो पाएगी, टिक पाएगी, नहीं तो वापस हो जाएगा। और पील के बाद तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं किया तो पिगमेंटेशन की वर्सनिंग भी हो सकती है, स्किन रेड हो सकती है, नई नई स्किन पपड़ी उतरने के बाद में, और वो वापस से डार्क हो सकती है। तो पोस्ट प्रोसीजर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कॉजेज ट्रिगर्स के बारे में, SPF के रोल के बारे में, स्टीरोइड क्रीम्स यूज नहीं करना और स्किन को रेड होने से रोकना, ट्रीटमेंट रेगुलर लेना, उसको जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे वैसे घटाते जाना, और कहीं पर भी रिकरेंस हो रही है तो वो चीज़ डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, और लेज़र और पील के रोल के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ कमेंट्स थे इन चीज़ों से रिलेटेड, वहाँ पर आपको ये आंसर्स मिले होंगे उन कमेंट्स के। और अगर आपको जो वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले समय में वीडियोज़ को देख सकें टाइमली। और दोस्तों, इससे पहले हमने अभी रिसेंटली स्किन की वायरस वाली होने वाले इन्फेक्शंस को कवर किया था, आने वाले टाइम में हम नए वीडियोस के साथ आपको स्किन की बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो दोस्तों, फॉर सपोर्टिंग अस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।